साथियों, डबल इंजन की सरकार कैसे कर्नाटका के विकास के लिए, यहां की कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 2014 से पहले केंद्र में जो सरकार थी, तब रेल बजट में कर्नाटका के लिए औसतन 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था हर साल होती थी। कर्नाटका के मीडिया के मित्र जरा ध्यान रखेंगे, पहले की सरकार हर वर्ष एवरेज 800 करोड़ रुपीज का प्रावधान करती थी। इस साल के केंद्र सरकार के बजट में इसके लिए लगभग 7000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी सीधे सीधे 6 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी कर्नाटका के लिए रेलवे के 34000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। रेल लाइनों के बिजलीकरण के मामले में भी हमारी सरकार ने जिस तरह काम किया है, वो सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। मैं जरा आंकड़ा बताता हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। 2014 के पहले, 2014 के पहले 10 साल में, यानी 2004 से 2014, 10 ईयर, 10 साल में कर्नाटका में सिर्फ 16 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हुआ था, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। 16 किलोमीटर एंड 10 ईयर्स। हमारी सरकार के दौरान कर्नाटका में करीब 1600 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। 16 किलोमीटर इन 10 ईयर्स, 1600 किलोमीटर इन दिस 8 ईयर्स। कहां 16 किलोमीटर और कहां 1600 किलोमीटर। यही है डबल इंजन के काम करने की रफ्तार।